और बिग ब्रेकिंग आपको रायपुर से बता दें, राजधानी के सिटी सेंटर मॉल में हादसा हो गया है। मॉल के तीसरे माले से एक साल का मासूम गिर गया। मां का हाथ छूटने से मासूम गिरा है। एस्केलेटर से दूसरे से तीसरे माले में जा रहे थे, गंभीर हालत में मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये मामला, तो ये तस्वीरें हम आपको देवेंद्र नगर सिटी सेंटर मॉल की दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सिटी सेंटर मॉल है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि मॉल के तीसरे माले से एक साल का मासूम गिर गया। मां का हाथ छूटा और मासूम के साथ ये दर्दनाक हादसा हो गया। संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बच्चे की हालत कैसी और ये हादसा हुआ कैसे, थोड़ा बताइए विस्तार से। ये बच्चा लगभग एक से डेढ़ साल के बीच में है और हमारे पास वो वीडियो भी आ गया है जिसपे वो अपने परिजन के हाथों से गिरते दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सेकेंड फ्लोर पे वो अपने बच्चे के जो परिजन है उसे गोद में लेकर ऊपर जा रहे थे थर्ड फ्लोर की तरफ। जो परिजन है वो पुरुष है, उनके दाएं हाथ में बाएं हाथ में बच्ची थी और जो खुला, मतलब आप समझ लीजिए जिस फ्लोर की तरफ जो खुला ओपन एरिया है उस तरफ उसने पा के रखा था बच्ची को। और बच्ची अचानक से, क्योंकि छोटी बच्ची है, अपना बैलेंस नहीं बना पाती है, बच्चे हिलते हैं तो जैसे ही वो करीब आता है एस्केलेटर के तो बच्ची जोर से हिलती है और ऊपर से नीचे गिर जाती है। अभी आपको बता दें कि एडिशनल एसपी समेत तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ मौके पर है। सीसीटीवी कैमरे को लगातार उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा एक टीम ये पता कर रही है कि किस अस्पताल में है, क्योंकि दो से तीन अस्पतालों का नाम आया था कि बच्ची को कहीं कहां ले जाया गया। चूंकि बच्चे के पिता का नाम, परिजनों का नाम पता नहीं चल पाया है तो पुलिस भी ये पता कर रही है कि बच्ची किस अस्पताल में है और क्या उसकी स्थिति है। हाइट आपको बता दें लगभग 40 फीट ऊपर है और पुरुष परिजन है और वीडियो भी सामने आ गया है। IBC 24 के पास वो वीडियो भी है जिसमें वो ऊपर से नीचे गिरती दिख रही है। बहुत काफी हाइट है। अभी कुछ भी कहना, देखिए सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आएगा, वो भी हम जरूर जानेंगे। क्या बच्ची की हालत गंभीर है जब वो गिरी, आप जो अभी देख पा रहे हो। हाँ, ये देखिए, ये वीडियो भी सामने आ गया है, ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देखिए किस तरह से एस्केलेटर से चलने की कोशिश वो कर रही होती है, उसी दौरान थोड़ा सा अनियंत्रित यहाँ पर देखिए और फिर उसके बाद अचानक से वो बच्ची पलटकर पूरी नीचे गिर जा रही है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली, हैरान करने वाली और साथ ही सीख भी देने वाली कि जब आप किसी मॉल में जाएं और अगर आप एस्केलेटर से आगे चल रहे हैं तो अपने बच्चों का ध्यान आप जरूर रखिए, वरना इस तरह का दर्दनाक हादसा हो सकता है। और आप सभी दुआ कीजिए कि ये जो बच्ची है सुरक्षित हो, इसे अभी अस्पताल में ले जाया गया है, वहां पर इसका इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज आ चुका है सामने संदीप, इसमें क्या लापरवाही भी यहाँ पर समझी जा सकती है और क्या इस फुटेज को देखकर ये समझा जा सकता है कि बच्ची की हालत कैसी है अभी फिलहाल? देखिए, दो चीज है, लापरवाही इस पे कहे तो परिजन की लापरवाही इसलिए दिख रही है क्योंकि दो परिजन है, बड़े व्यस्क है, उसमें एक छोटा बच्चा आता है एस्केलेटर पे चढ़ने का प्रयास करता है तो जिस व्यक्ति ने बच्चे को पाया हुआ है वही झुककर उसे पकड़ने का प्रयास करता है और उसी दौरान बच्ची उसके हाथ से गिर के नीचे जमीन पर जाके गिरती है। उनके साथ जो दूसरे व्यस्क थे अगर वो बच्चे पर ध्यान देते तो ये घटना ना होती। हालांकि परिजन जो है वो भी जो छोटा बच्चा एस्केलेटर में गिर न जाए उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान बैलेंस बिगड़ा है और उसी दौरान वो बच्ची नीचे गिरी है। और आपको मैं फिर से कह दूं कि अभी पुलिस भी पता कर रही है कि बच्ची आखिर किस अस्पताल में परिजन उसे ले गए हैं क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कौन लोग थे, उनका पतासाजी की जा रही है। लगातार अलग अलग थानों में सूचना दे दी गई है, चाहे देवेंद्र नगर का थाना हो या लालपुर के पास जितने भी अस्पताल है, कि किस जगह पर ऐसा केस आया है तो कुछ 5 से 7 मिनट में 10 मिनट में पता चल जाएगा कि किस अस्पताल में ये परिजन है, बच्ची की हालत क्या है। फिलहाल सीसीटीवी से साफ समझ में आ रहा है कि दो लोग थे, एक बच्चे को संभालने की कोशिश करते हुए दूसरी बच्ची जो वहां से छूट गई। अब हम बस कामना कर सकते हैं कि बच्ची स्वस्थ हो और कम से कम उसे चोट लगी हो, लेकिन हाइट काफी ज्यादा है इसलिए सभी लोग आशंकित भी है। ठीक है, और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दे, सिटी सेंटर मॉल में ये हादसा हुआ है और देखिए ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर परिजन हैं, उनके साथ दो बच्चे रहते हैं, एक बच्चे को उन्होंने गोद में लिया होता है और एक और बच्चा उसको वो एस्केलेटर में धीरे धीरे चला रहे होते हैं और उसी दौरान वो दूसरा मासूम बच्चा हाथ से छटकता है और सीधे नीचे जा गिरता है। और जैसे कि हमारे सहयोगी संदीप बता रहे हैं कि करीब 40 फीट ये पूरा यहाँ पर ये पूरी लंबाई है जहाँ से वो बच्चा गिरा है। बच्चे की हालत गंभीर भी बताई जा, उसका इलाज जारी, लेकिन किस हॉस्पिटल में ये बच्चा है, परिजन इस बच्चे को किस हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो सिटी सेंटर मॉल में ये हादसा हुआ है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज सिर्फ और सिर्फ आईबीसी 24 के पास आप देख रहे हैं। मॉल के तीसरे फ्लोर से एक मासूम बच्चा गिर गया, हाथ छूटने से बच्चा गिरा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे बच्चे को जब वो एस्केलेटर पर चला रहे होते हैं उसी दौरान जो बच्चा जो गोद में रहता है वो छिटकता है और सीधे नीचे जा गिरता है।
अफरा तफरी वहां पर मची। तुरंत लोगों ने उस बच्चे को उठाया और उसके बाद अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर भी बच्चे का इलाज जारी है। ऐसे में आप भी ये कामना कीजिए, दुआ कीजिए कि उस बच्चे को ज्यादा चोट ना लगी हो, क्योंकि 40 फीट की ऊंचाई से वो बच्चा नीचे जा गिरा है। तस्वीरें आप देखिए, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। सिटी सेंटर मॉल जो कि पंडरी के ही पास है, वहां पर यह हादसा हुआ है। परिजन का हाथ छूटता है और बच्चा नीचे जा गिरता है एस्केलेटर से। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, पुलिस क्या कर रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिर परिजन कहां पर हैं और किस अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया है? देखिए, पुलिस की टीम के साथ ही हम हैं, कुछ लोग सीसीटीवी को तो देख ही रहे हैं, साथ में अलग अलग चौकियों को बोल दिया गया है और कुछ ही मिनट में पता लग जाएगा। क्योंकि देखिए, पहले ये सूचना मिली थी कि करीब यहाँ देवेंद्र नगर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर ही जो है वो अस्पताल है। तो पहले ये सूचना मिली कि दो अस्पताल यहाँ पर है, वहां ले जाया गया है, तो मोहा के अस्पताल, देवेंद्र नगर के अस्पताल। इसके अलावा फिर ये पता चला कि देवेंद्र नगर में और जो कॉलोनी में अस्पताल है, मॉल के जो सिक्योरिटी वगैरह थे वहां पर भी इमरजेंसी सेवाएं रहती है, संदीप, क्या उसका इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट एड कुछ दिया गया, इसकी कुछ जानकारी? देखिए, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो ऐसा कुछ भी कहना कि फर्स्ट एड की स्थिति होगी, कुछ भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती, तो बस इसी की उम्मीद है कि बच्ची को चोट न लगाओ, क्योंकि जिस जगह बच्ची गिरी है वहां पर कोई खून का निशान नहीं है। हमने बस अभी हम उस स्थिति को देख कर आए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहां में कोई खून का निशान नहीं देखा, उसके वीडियोस भी हमारे पास है। तो अब ये अंदरूनी चोट बच्ची को ना लगी हो, इसकी कामना कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे छोटे होते हैं, उनकी जो हड्डियां जो है नरम होती है, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि उन्हें चोट कम लगती है, और जिस जगह पर बच्ची गिरी है वहां खून नहीं निकला है। तो बस ये कामना की जा सकती है भगवान से कि उसे अंदरूनी चोट कोई ना लगी हो। तो हम लगातार इसमें बने हुए हैं, पुलिस की टीम के साथ ही है, जैसे ही अपडेट होगा तो दर्शकों को सबसे पहले ABC64 अगला समाचार देगा। जी बिल्कुल, अभी और ये हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, और देखिए बकायदा हाईलाइट भी हमने किया हुआ है कि कैसे ये पूरा हादसा होता है। कुछ जानकारी मिल पाई है क्या परिजनों के बारे में कि वो मॉल क्या करने आए थे संदीप, और इनका कुछ नाम वगैरह? देखिए, ये बताया जा रहा है फिलहाल, अभी पूछताछ है पुलिस को कि शायद वो बच्ची को किसी, मतलब माता पिता के अलावा किसी ने पाया हुआ था, उनके कोई परिजन है, मेहमान थे शायद, उन्होंने पाया हुआ था। दो लोग इसलिए आपको जो दिख रहे हैं, दोनों पुरुष, तो बाकी है वो मॉल घूमने आए थे और थर्ड फ्लोर ये जाने वाले थे, शायद ऊपर जो गेम जोन है, क्योंकि उनके साथ एक छोटा बच्चा था, तो ये पता लग रहा है कि गेम जोन ये जाने वाले थे, उसी दौरान ये सारी चीजें हुई। और लिफ्ट भी है, इसके अलावा एक्सीलेटर है, तो ये नीचे से ऊपर लगातार एक्सीलेटर से गए हैं, और इसी कारण से शायद ये बताया जा रहा है कि गेम जोन जाने वाले थे और उसी दौरान ये सारा कुछ जो है घटनाक्रम हुआ है। बाकी पुलिस भी लगी हुई है, जैसे कुछ पता लगता है तो हम और अपडेट देंगे, क्योंकि जैसे कि अभी खुद एडिशनल SP लखन पटले यहाँ पर मौके में मौजूद है, सभी जगह अलर्ट कर दिया है कि सभी अपने संबंधित थाने के अस्पतालों में तुरंत पता करें। फिलहाल लालपुर के कुछ अस्पताल है, वहां पर बातचीत की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि वही ले जाया गया है। हम भी अस्पताल प्रबंधन से लगातार बातचीत में है कि ऐसा कोई केस आया हो तो कृपया जानकारी दें और बच्चे की स्थिति को स्पष्ट करें। जी जी, आप बने रहिए संदीप हमारे साथ, और देखिए हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। रायपुर के सिटी सेंटर मॉल में यह हादसा हुआ है, और देखिए किस तरह से ये एस्केलेटर है और दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल में जब वो जा रहे थे उस दौरान यह हादसा होता है। दो बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, एक जो यहाँ पर दंपति है वो एक बच्चे को संभालते हैं, एस्केलेटर ऊपर लेकर के जा रहे थे, उसी दौरान एक जो दूसरा बच्चा है वो उनके हाथ से गिर जाता है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली है, लेकिन इसके साथ ही हम अपील करते हैं अपने दर्शकों से कि जब भी आप मॉल जाए, एस्केलेटर का अगर आप उपयोग करते हैं तो सावधानी जरूर बरतें, वरना देखिए आप किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है, एक दूसरे बच्चे को संभालने के चक्कर में दूसरा बच्चा किस तरह से यहां पर गिर गया है। तस्वीर आप देखिए, ऊपर से वो बच्चा नीचे गिरता है, हालांकि कहा जा रहा है कि जब बच्चा नीचे गिरा तो खून तो नहीं निकला, लेकिन फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, और अभी तक पुलिस को ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर इस बच्चे को कहां पर एडमिट कराया गया है, क्योंकि जैसे ये हादसा हुआ बच्चे के परिजन तुरंत नीचे पहुंचे और उसको लेकर के अस्पताल गए हैं। कौन से अस्पताल गए हैं, परिजनों का नाम क्या है, और अभी बच्चे की स्थिति कैसे है, अभी ये सब खुलासा नहीं हो पाया, ये जानकारी अभी नहीं पाई है। तो बार बार हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप
जरा अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें जब भी आप मॉल में जाएं, क्योंकि एस्केलेटर से जुड़ा हुआ ये कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे सामने आए हैं, जब एस्केलेटर पर चढ़ने के दौरान, पांव फिसलने के दौरान भी कई बच्चों को, माओं को चोट लगी है। लेकिन अब ये ताजा तस्वीर आप देखिए, ये रायपुर के सिटी सेंटर मॉल की तस्वीर है। तीसरे फ्लोर से 1 साल का मासूम जा गिरा और उसके बाद ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। अफरा तफरी मच गई, तुरंत बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। और आप देखिए ये तस्वीरें विचलित करने वाली, हैरान करने वाली है। और इसके साथ ही जो सावधानी नहीं बरती जाती है, उस लापरवाही की भी ये तस्वीर है। एस्केलेटर के बिल्कुल साइड में खड़े हैं यहाँ पर दंपति, और तभी एक बच्चे को मैनेज करने के चक्कर में, उसे संभालने के चक्कर में, दूसरा बच्चा जिसे गोद में लिया हुआ होता है, वो बच्चा नीचे जा गिरता है। और अभी फिलहाल पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और इसके आधार पर अब वो परिजन कहां गए हैं, बच्चे को लेकर के किस अस्पताल पहुंचे हैं, अभी ये जानने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बार बार आईबीसी 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि जब कभी भी हम मॉल जाते हैं तो इस तरह का रिस्क आप बिल्कुल भी ना ले। छोटे बच्चों को लेकर के आप जब एस्केलेटर पर चढ़ते हैं तो सावधानी जरूर बरते, क्योंकि इस तरह के हादसे इन दिनों बेहद आम हो चले हैं। ऐसे में इस तरह के हादसे का शिकार आप ना हो, इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सावधानी जरूर बरते। संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, और कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, जो अभी वीडियो और स्पष्ट हमने और क्लोज से देखा है तो यही पता चला है कि दो परिजन थे, बच्चे को लेकर ऊपर जा रहे थे, और ये स्पष्ट है कि जो छोटा बच्चा है वो भी एक्सीलेटर चढ़ रहा था और उनके साथ में जो दूसरे वयस्क हैं, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो बच्चा चढ़ते हुए नीचे गिर गया। मतलब जो सेफ सुरक्षित गिरा बच्चा, जो अंदर था एक्सीलेटर में, तो उनका ध्यान दोनों का उस तरफ चले गया और गोंद में जो बच्चा था वो जब दो हाथ से उसे पकड़े हुए थे, वो एक हाथ से पकड़ लेते हैं और वो हाथ खुला हुआ है जो गहराई की तरफ, और वहीं पर वो बच्चा गिर जाता है। तो अभी वीडियो और स्पष्ट हुआ है, हमने सीसीटीवी कैमरे में खुद जाकर देखा है तो साफ समझ में आ रहा है कि थोड़ी अगर सावधानी हुआ है हमने सीसीटीवी कैमरे में खुद जाकर देखा है तो साफ समझ में आ रहा है कि थोड़ी अगर सावधानी दोनों व्यस्त अगर रखते तो ये जो है घटना नहीं होती। हालांकि परिजनों से ज्यादा प्यार बच्चे को कोई कर नहीं सकता, ऐसे में कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन फिर भी लापरवाही इस पे दिख रही है दोनों व्यस्तों की। अब पुलिस जो है, अब थोड़ी देर में लगातार हमें आश्वासन मिल रहा है कि कुछ देर में पता लग जाएगा, और सभी एक बस ये जानना चाह रहे हैं कि बच्ची की स्थिति क्या हो। हर कोई ये कामना कर रहा है कि बच्ची स्वस्थ हो। संदीप, आसपास कई लोग रहे होंगे, जैसे क्या बता रहे हैं कि काफी सारे वहां पर लोग थे, तो ऐसे में मॉल के जो लोग हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई, क्या उन्होंने कुछ बताया आपको बच्चे की स्थिति के बारे में? देखिए, जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने हमें बताया है, क्योंकि जहां जो लोग थे, काफी लोग जा चुके हैं, लगभग 1 घंटे पहले की घटना है, तो जो गार्ड्स हैं उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग उसे बता रहे हैं कि बच्चे का शायद कोई जीजा मतलब था बच्चे का, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस के जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। एम्बुलेंस से बच्चे को जब लाया गया तो एम्बुलेंस में इसे फर्स्ट एड देने का प्रयास किया गया। कुछ लोग यहां बता रहे हैं कि चेक करी जा रही थी सीपीआर या कोई ऐसी चीजें अगर देनी पड़ती है, सांस और सारी चीजें चेक की जा रही थी, कोई सपोर्ट उसको जरूरत तो नहीं है। लेकिन अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, हम फिर से कह रहे हैं कि बच्चे की अस्पताल में क्या स्थिति है उसके बाद ही बताना ठीक होगा। आप नजर बना करके रखिएगा, हम लगातार इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे अपने दर्शकों को। लेकिन ऐसे से थोड़ी सी लापरवाही से हो सकते हैं, इसलिए बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शुक्रिया संदीप, आप नजर बना के रखिएगा।